अनफॉर्चुनेटली इससे पहले ऐसा इवेंट मैंने रखा नहीं था. प्रॉब्ली आई वाज शूटिंग सम टाइम्स, आई हैव ऑलवेज बीन शूटिंग फॉर माय बर्थडेज. और इसकी एक और रीज़न भी है, पिछले साल जब और ये फैंस के लिए खास करके, क्योंकि पिछले साल जब मेरा एक पर्सनल हादसा हुआ था फैमिली में, तो फैंस ने बहुत सपोर्ट किया था. उनकी दुआएं, उनके प्रेयर्स हमारी फैमिली के साथ है. दिस इज़ द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट. यू नो, इस साल जब आप सब लोग आए हैं, मेरे फैंस आए हैं, एंड यू नो दीज आर द पीपल हु हैव बीन ऑल्सो इन अ वे आई हैव बीन सीइंग देम ऑन दीज वेबसाइट्स. और रोज़ ये सुबह उठ के मुझे मैसेजेस भेजते हैं और इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई. सो दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट टू मीट दीज पीपल इन पर्सन एंड ऑल दीज फैंस. और एक चीज़ होती है ना कि ठीक है, जब फिल्म रिलीज़ हो रही है तो इन लोगों की दुआएं हैं, लेकिन जब एक पर्सनल क्राइसिस होती है फैमिली में, एंड व्हेन दे हैव बीन देयर एंड दे हैव प्रेड फॉर मी फॉर आवर फैमिली, ये एक अलग बात है. सो इट्स ग्रेट. आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट आई गॉट. मुझे पैसे पसंद हैं. आई लव कैश. ऑलवेज गुड गेटिंग अ लॉट ऑफ कैश ऑन योर बर्थडे. तो मैंने बहुत लोगों को कहा है कि यार फूल मत दो, कैश दो. आई कैन you know use it for something concrete. So yeah, I mean I love gifts. I would be lying if I say ki mujhe gifts pasand nahi hai. You know, main kabhi actor banna nahi chahta tha, kabhi dur dur tak ye khayal dimag mein nahi tha, and I eventually it was almost like an accident ki main actor ban gaya. Aur shuruaat yahi se hui thi Vikram ki film ke sath jo maine assist ki thi 12 saal pehle Raaz mein. और इट्स बिन अ गुड जर्नी. बहुत कुछ सीखा है मैंने. आई हैव मेट सम वंडरफुल पीपल अलॉन्ग द वे. अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं. दे हैव बिन सक्सेसफुल फिल्म्स, दे हैव बिन फिल्म्स दैट हैव नॉट बिन सक्सेसफुल. लेकिन एक टोटालिटी में एक आई फील कंटेंट कि मैंने ये सभी लोगों के साथ काम किया एंड आई एक्सप्लोर्ड ऑल दीज फिल्म्स. आई डोंट सी द फिल्म्स जो अनसक्सेसफुल होती हैं, आई डोंट सी देम एज मिस्टेक्स. वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है. So I'm thankful to everyone who you know got me all these wonderful films or jo experiences mile hain mujhe 10 saal se. Aur abhi obviously Vikram ke sath ye meri I think teesri film hogi. And I started off mere career with Footpath. So I'm looking forward to seeing the film. Maine puri film dekhi nahi, but I'm looking forward to seeing it. Actually maine phases rahe hain career mein. Kabhi kabhi main bahut sari filmein mil jati hain. Jaise 2 saal पहले मैंने एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में की थी. आई यूज़ टू रियली कम बैक होम. आई यूज़ ओनली कम बैक होम टू स्लीप. 3 साल से मैं सिर्फ फिल्म के सेट पे रहा करता था. और अभी मैंने ये ठान लिया कि मैं चूज ही रहूँ फिल्म स्क्रिप्ट्स को लेकर, क्योंकि इट्स वेरी इसेंशियल कि आप ऑडियंस को कुछ अलग दें हर फिल्म के साथ, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है स्क्रिप्ट के साथ. सो इट्स आई एम बींग चूजी एट द सेम टाइम, यू नो आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क एंड जस्ट मेक द ऑडियंस हैप्पी. वेल बहुत ही एक्साइटेड हूँ. मिस्टर एक्स पहले रिलीज़ हो रही है 17 अप्रैल को, जो एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है हम सब के लिए. इसमें टेक्निकल विजिटरी है, इनविजिबल मैन है, एक अच्छी लव स्टोरी है. फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुडन्ट से फर्स्ट टाइम, वी हैव टैकल्ड विद, वी हैव शोन इनविजिबल मैन ऑन स्क्रीन. हमने भट्ट साहब के फादर की फिल्म थी मिस्टर एक्स, लेकिन सिर्फ 3 कल्ट फिल्म शायद रही हैं हमारे देश में. एंड एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है. There was Mr. India, which was 20 years ago, जो मेरी one of my favorite हिंदी films. तो ये एक तरह से एक ड्रीम कम ट्रू है कि मैं इस फिल्म में काम करूँ. एंड इट शेप्ड अप प्रीटी वेल एज फार एज द विजुअल इफेक्ट्स को, और जो 3D का भी जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है. इट्स मोर देन अ फिल्म. एक इंटेंट पूरे टीम का है कि ये जो सोशल इशू है, जो प्रॉब्लम है बेबी मिल्क फार्मूला का, और बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है. It's been on the whole round of this festival circuit. Aur logon ko bahut bahut pasand aayi. I was in Toronto 2 months back, aur wahan pe we got a very very positive response to the film. To ummeed karta hu ki bahut jald film yahan release hogi, because once it's done with the festival circuit, then we'll release it probably in the next couple of months. Aur ek release date ka milna bhi bahut hi essential hai, ek acha release date. Nahi abhi nahi, I think abhi acting mein it's a full time job. Aur 2 saal pehle मैंने कहा था, लेकिन स्क्रिप्ट मुझे जब मिलेगी तो इट्स नॉट सो मच प्रोडक्शन. जब क्रिएटिव आइडिया एक मिलेगा और मैं उस आइडिया को मैं बैक करना चाहूँगा तो मैं करूँगा. टिल आई डोंट गेट दैट स्क्रिप्ट, आई डोंट थिंक आई वुड गेट इनटू प्रोडक्शन, क्योंकि इट्स अ बिग हैसल. आई हैव टू बी क्रिएटिवली ड्रिवन टू डू अ फिल्म ऑफ दैट नेचर. ट्रेलर मिस्टर एक्स के साथ अनवेल होगा. मिस्टर एक्स जब फिल्म
जब रिलीज़ होगी 17 अप्रैल को, तो उसके साथ हम हमारी अधूरी का ट्रेलर अटैच करेंगे। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.